जो दो सधवा स्त्रियां आई हैं, नारी आई हैं, उनको इंगुर दीजिए, महावर दीजिए। इंगुर महावर जानते हैं आप, जो पामों में रचा जाता है। शहरों में तो ये माताएं नहीं जानती, उसकी बड़ी महिमा होती है। पांव में महावर लगा के जहां चरण रख दे उसी जगह को वो तीर्थ बना देती है। घर में ये दोष नहीं रहते, जिन घरों में नारी के पांव इतने पवित्र हैं वो घर को वैकुंठ, नारायण का वैकुंठ बना देती है। पहले देवियां जाती थी, पियर जाएं, ससुराल जाएं, तो वो पांव में महावर लगा के जाती थी। महावर जानते होंगे आप, लगाते भी हो कभी कभी, भूल भाल गए हैं। ये संस्कृति को जिंदी बनी रहने दो, इसका गला मत मसलो। महावर लगे हुए पाम बड़े मलू। अरे दुल्हा को महावर लगाया जाता है, जब वो विवाह के लिए जाता है तो उसके पाम रच दिए जाते हैं, उसके अंगूठे के उंगलियों के ऊपर भी वो बिंदी लगाई जाती है। इंगुर काय से कहते हैं, सिंदूर से कहते हैं? नहीं, इंगुर कुछ अलग होता है। अच्छा बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। इसमें इंगुर की बात कही गई है। अभी इंगुर तो नहीं मैं समझ पा रहा हूं, पर होता होगा, माताओं को पता होगा। एक महावर मैं समझ रहा हूं। तत्पश्चात हिमाचल पर्वत एक प्राचीन कथा सुना रहे हैं अपनी बेटी को। ये कथाएं कहती हैं, आप भी अपने बच्चों को ये सब बातें बताएं, बेटी को बताइए, पुत्रों को बताइए। ये भागे तो भी इनसे अर्घ लगवाओ, अर्घ चालू करवाओ। हमारे छटंकी से बच्चे आए हैं, रोजाना संध्या बंदन में इनसे अर्घ दिलवाया जाता है, इनसे गायत्री जप करवाई जा रही है, इनसे कई स्तोत्रों का पाठ करवाया जा रहा है। एक तो बोलता है, महाराज जी मैं तो इतना बिगड़ा हुआ था, गांव के सिगरे नीम के पेड़ तोड़ के आ गया हूं, लेकिन यहां आकर के बिल्कुल शांत हो गया। बोलता, मैंने पूछा घर जाएगा? बोलता है मैं नहीं जाता घर, मैं तो यहीं रहूंगा। बोलता है मैं यहीं रहूंगा। अच्छा लग रहा है बालकों को, उनसे तो हमें